अस्सलामुअलैकुम। आज हम गुरखा का कटिंग बताने जा रहे हैं। छोटे बच्चे का गुरखा है, यानी ये गुरखा है ना, बड़ा था, बड़े आदमी का था। उसको खोल के मैं छोटे बच्चे का बना रहा हूँ, क्योंकि बड़े आदमी का था, साइड से फट गई थी, वो पहन नहीं सकता था। मैंने सोचा ये कपड़ा क्यों वेस्ट किया जाए, इस पर छोटे बच्चे का गुरखा बना दिया जाए। तो मैं चालू करता हूँ इसका कटिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा एक मार्क लगाएंगे। बच्चे का लेंथ है 38, यानी 38 इंच लेंथ है। 38 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1 इंच बढ़ के लगाएंगे मार्क, क्योंकि 1 इंच है ना, यहाँ पे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मार्क लगाएंगे बच्चे का है, 5 इंच पे मार्क लगाएंगे आर्मोल के लिए। यहाँ पे 10.5 पे मार्क लगाएंगे कमर के लिए। यहाँ पे 17.5 इंच पे मार्क लगाएंगे हिप के लिए। अब बच्चे का साइज है 28 इंची पूरा लूजिंग के साथ, इसका चेस्ट है 24 इंची पूरा लूजिंग के साथ, वेस्ट है, और ये हिप 28 इंच है। हम फिलहाल में हम यहाँ पे इतना मार्क लगाएंगे। ये 28 इंची आ रही है, और यहाँ पे क्योंकि कपड़ा कम के वजह से यहाँ पे इतना आ रही है, तो थोड़ा हम और अंदर ले लेंगे, आगे ले लेंगे यहाँ। और यहाँ पे जगह कितना आ रही है, यानी यहाँ पे 2.5 इंच आ रही है, यानी इसका 5 इंच यहाँ पे लूजिंग आ रही है। अब यहाँ पे मैं प्लेट और डिजाइन मारूंगा। एक सीधा मार्क ले लेंगे यहाँ से। ये सिर्फ हमारा प्लेट में जाएगा, ये यानी ये हमारा प्लेट का है। कटिंग हमको करना है, यहाँ से कटिंग करेंगे। बच्चे का है तो बच्चे का इसमें देंगे 10 इंची कंधी, इसका देंगे 10 इंची कंधी रहेगा बच्चे का। अब यहाँ से नापेंगे 24 इंच, यहाँ पे 24 इंच देंगे, यहाँ पे 28 इंच रहेगी। अब सीधा एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे यानी 2.25 इंच देंगे गले के लिए बच्चे का है। लंबाई हम इसको देंगे 4 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच देंगे, यहाँ पे 2.25, यहाँ पे 1.5 इंच देंगे। और यहाँ से स्ट्रेट सीधा मार्क लगाएंगे। साइड में जितना घेरा आएगा उतना हम दे देंगे, कि जितना गुरखा में घेरा रहेगा उतना ही अच्छा है। तब यहाँ से ये सेम स्केल से हम इसको घेरा का मार्क लगा लेंगे। अब ये मार्क, ये पहले हम सीधा रखेंगे स्केल,
यहाँ तक सीधा है, यहाँ से सेब है, अब इसके हिसाब से हम इसको राउंड कर लेंगे। थोड़ा इसको ऊपर उठा लेंगे, ये फ्रंट को इस तरह हम आर्मोल को इस तरह गोलाई कर लेंगे। अब इसको हम कट इन करेंगे। कट गई है और यहाँ पे गला बचेगा इस तरह, इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे इस तरह प्लेट रहेगी, ऐसा ऐसा इस तरह प्लेट आ जाएगी और यहाँ पे एक बेल्ट लगेगी और यहाँ ये गला से स्ट्रेट सीधा लेस जाएगी, यानी ताकि ये डिजाइन दिखे। तो हम इसको बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगी। फिलहाल में तो हमने अभी कटिंग कर दी है, वह सेम इसी की तरह बैठा के बैक कटना है, लेकिन बैक इतना बड़ा कटेगी नहीं, बैक छोटा कटेगी। मतलब ये फोल्ड, कपड़े को फोल्ड कर लिया, अब ये इसको फ्रंट को एक बैक पे बैठाएंगे। हमारा बैक रहेगी यहाँ तक, ये देखिए ये जो मार्क पहले मारे हैं सबसे लास्ट का, इतना ही बैग रहेगी। सेम इसको बैठा के हम कट कर लेंगे, लेकिन ये बैक वाला यहाँ पे इस तरह कट करेंगे। इस तरह कट करेंगे और यहाँ से आधा इंच नीचे गिराएंगे। ऐसे सीधा कट करेंगे। ये हमारा गुरखा का फ्रंट और बैक कट गई है। अब हम कटिंग आस्तीन को करेंगे। ये आर्मोल के पास है 5 इंच, हम इसको रखेंगे यहाँ पे। अब आस्तीन का लेंथ नापेंगे, 16 इंच आस्तीन का लेंथ है, ये देखिए 16 इंच आ गई है, 8 इंच मोड़ी है। अब ये सेब स्केल से हम साइड में मार्क लगाएंगे। अब इसको कट कर लेंगे। ये मेरा गुरखा कंप्लीट हो गया।
अब इसको स्टिचिंग करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगी।